नमस्कार, जय जय श्री राधे। दोस्तों, आप जानते हैं कि जो 9 ग्रह हैं, हर ग्रह की अपनी एक पावर होती है। सूर्य हमारे मान सम्मान का कारक होता है, चंद्र हमारे मन का कारक है, इसी प्रकार से जो मंगल है ये सेनापति होते हुए हमारे साहस के कारक हैं, हमारे पराक्रम के कारक हैं और हमारे बॉडी के अंदर ये रक्त के कारक हैं। अब जो बुध हैं, ये रिश्ते में देखा जाए तो बुध बहन बुआ मौसी के कारक होते हैं। यदि हमारे शरीर के रूप में देखा जाए तो जो हम सांस ले रहे हैं यह बुध है। आपने देखा होगा कई बार किसी का बुध खराब होता है तो उनको नासिका में गोल्ड या चांदी की तार पहनाई जाती है ताकि जो हवा क्रॉस होती है उससे बुध सही हो। तो बुध जो है वायु का कारक है, यानी जो हम श्वास ले रहे हैं। इसके अलावा दांतों के कारक भी बुध माने जाते हैं। हमारी बॉडी में जो नसें होती हैं ये बुध ग्रह मानी जाती हैं। अब इसके बाद बृहस्पति हमारे फेफड़ों के कारक हैं। जितने भी व्यक्तियों को फेफड़ों की समस्या आती है तो वहाँ पर बृहस्पति इन्वॉल्व होते हैं। पेट की समस्या में भी बृहस्पति इन्वॉल्व होते हैं। बृहस्पति को यदि हम रिश्तों में देखें तो यह पिता के कारक भी माने जाते हैं और हमारे शिक्षा देने वाले गुरु के कारक भी माने जाते हैं। और जो व्यक्ति के अंदर ज्ञान है वह स्वयं जुपिटर हैं, गुरु हैं। शुक्र पत्नी को कहा गया है या पत्नी की कुंडली में पति को कहा गया है। हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप के कारक शुक्र होते हैं। शुक्र को स्त्री की संज्ञा दी गई है। धन दौलत मान सम्मान ऐशो आराम ये शुक्र से देखे जाते हैं। बात करूंगा शनि की तो शनि चाचा ताया जो बड़े बुजुर्ग हैं इनके कारक होते हैं रिश्तों में। अब वहीं पर शनि जो है हमारी बॉडी में जितनी हड्डियाँ हैं, हड्डियों के कारक शनि हैं और सबसे मेन चीज़ जो अपना हेड होता है ये शनि है। आपने देखा होगा अक्सर कई बार एक्सीडेंट होता है जिसका शनि खराब होता है उसका हेड में जरूर चोट लगती है या घुटनों में प्रॉब्लम आती है। यानी कहीं ना कहीं जब हड्डी क्रैक हो तो शनि खराब है। राहु केतु हमारे दिमाग में भ्रम के कारक हैं और राहु जो होता है ये ससुराल का प्रतीक माना जाता है। जितने भी परिवारों में आज के समय में समस्याएं चल रही हैं ये राहु के कारण होती हैं, खासकर ससुराल से संबंध खराब हो जाना। केतु जब खराब हो जाते हैं व्यक्ति को अध्यात्म से दूर कर देते हैं। जो व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है, धर्म के प्रति जागृत होता है तो उसके केतु मान के चले बहुत अच्छे होते हैं। ज्योतिष में नंबर 1 होते हैं तो उनके जो है केतु बहुत अच्छे माने जाते हैं। आज मैं आपको राहु की एक ऐसी रेमेडी देने वाला हूँ जो आपके कुंडली में चलने वाले राहु की दशा, महादशा, अंतदशा, प्रतन दशा, मार की दशा सबको सही करने वाला है। ऐसा ज़बरदस्त उपाय, क्योंकि राहु का उपाय क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में सब कुछ प्रदान करने वाला भी राहु है और व्यक्ति से सब कुछ छीन लेने वाला भी राहु है। मानसिक तनाव देने वाला भी राहु है, भ्रम पैदा करने वाला भी राहु है और अचानक से व्यक्ति के जीवन में खुशियां देने वाला भी राहु है। उपाय तो केवल वही करते हैं जिनको कोई समस्या होती है। जब समस्या होती है तभी व्यक्ति दवाई लेने के लिए हॉस्पिटल जाता है, डॉक्टर के पास। तो जितने भी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, पहले तो मैं ये कहूँगा कि लाइक ज़रूर करें, शेयर अवश्य करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि एक परिवार ग्रुप बने यूट्यूब के अंदर। अब दूसरी चीज़, राहु और केतु छाया ग्रह हैं जो कि दिखाई नहीं देते, केवल धुएं का रूप होता है। राहु जैसा धुआं होता है ना, धुआं जब छटता है तो दिखता है कुछ भी नहीं है, लेकिन जब धुआं सामने होता है ऐसा लगता है किसी के बीच में ना लग जाए। आपने देखा होगा कोहरा पड़ता है, तो आज उसी राहु के धुएं को दूर करने वाला ज़बरदस्त उपाय बताने जा रहा हूँ। तो नमस्कार, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर आशीष शर्मा और मेरे इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो 22 में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी सुखी होंगे, संपन्न होंगे, आनंदपूर्वक होंगे। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मेन उपाय की बात करता हूँ। यह उपाय इसलिए किया जाता है यदि आप भ्रम की स्थिति में हैं, आप परेशान हैं राहु के कारण, आप पागलपन तक व्यक्ति इसमें पहुंच जाता होता है। यदि आपके राहु खराब हैं कुंडली में और आपके साथ बार बार धोखे हो रहे हैं, बार बार फ्रॉड हो रहा है, जिस पे आप विश्वास करते हो वही आपको धोखा दे रहा है, आपको व्यापार में बहुत लॉस हो चुका है राहु के कारण, आपकी
माइंड की स्थिति बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी है, तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, या राहु को शांत करने के लिए भी कर सकते हैं, खूब धन पाने के लिए भी कर सकते हैं, यानी हर तरीके से इसको आप यूज़ कर सकते हैं इस उपाय को। यह उपाय 4 बार कम से कम करना है आपको, और 4 बार करते करते ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। मैंने एक माचिस वाली वीडियो पहले डाली है, कई लोगों की फीडबैक आई है कि हमें बहुत लाभ हुआ है, तो ये भी माचिस का ही उपाय है, और एक बीड़ी के बंडल या सिगरेट का उपाय है जो कि मैंने थंबनेल में दे रखा है। क्यों है ये उस चीज़ का उपाय? क्योंकि राहु, मैंने आपको बताया है, धुएं का कारक है। जो धुआं होता है ये राहु होता है। जितने भी लोग ये मान के चले स्मोकिंग करते हैं, कुछ भी कई प्रकार के जो धुएं से संबंधित जो चीज़ें होती हैं, ये सब राहु की कैटेगरी में आ जाती हैं। आज हो सकता है आप यदि कोई चीज़ छोड़ना चाहें, कोई बुरी आदत, तो भी छूटने के काफ़ी चांसेस में, लेकिन कुल मिलाकर के राहु आपका बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा, आपको बहुत अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। 4 बुधवार आपको यह उपाय करना है, और यह करना है आपको सूर्यास्त के बाद, बुधवार के दिन। कोशिश करें सूर्यास्त के बाद करें, यानी 6, 6:30, 7, 7:30 इस प्रकार से कर सकते हैं, रात्रि 10, 11 बजे तक जब मर्जी करें, लेकिन करना है सूर्यास्त के बाद। आपको एक सिगरेट की डब्बी, पूरी फुल डब्बी नहीं लेनी आपको, ये ध्यान रखें, पूरी फुल डब्बी छोड़ करके उसमें केवल 4 आपको सिगरेट की, जो मैं जानता नहीं इसको क्या कहते हैं, पूरी सिगरेट होती है उसको, 4 सिगरेट को रख करके बाकी निकाल करके जैसे मर्जी आप चाहे जिस शॉप से लेंगे उनको यही कहना कि इसमें ओनली 4 सिगरेट डाल दो, तो उसमें डाल करके उसको टेप से बंद कर देना है, रेड टेप से घर ला करके। और एक में ले लेनी आपने माचिस, माचिस पूरी फुल हो, चाहे जितनी मर्जी तीलियाँ हो उसमें, उसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें, जो सिगरेट है या बीड़ी है, बंडल है, वह बिना अग्नि के नहीं जलती, इसलिए इसमें माचिस का प्रयोग है। आपने पूरी डिबिया को लाल टेप से बंद कर देना है। यदि आप बंडल लेके जा रहे हो उसमें भी 4 बीड़ी के जो है टोटल पीस होने चाहिए, बाकी चाहे आप फेंक दें, चाहे निकाल दें, या अगली बार यूज़ कर लें, इस प्रकार कर सकते हैं। आपको 4 बीड़ियाँ या 4 सिगरेट उस पैकिंग में बंद करके, जिसमें मान लो बीड़ी आती है उसी पैकिंग में रेड टेप लगा देनी है आपको, और यदि सिगरेट लेते हैं आप तो भी उसमें टेप लगानी है, रेड टेप होनी चाहिए, उसको पूरा कवर कर दें। कवर करने के बाद अब जो माचिस है उसके साथ उसको रख करके अपने हाथ में पकड़ लें, और संध्या के समय 4 बार एंटी क्लॉकवाइज अपने सिर से घुमा लें। घुमाने के बाद आपको क्या करना है, सीधा दक्षिण दिशा की ओर निकल लेना घर से बाहर, चाहे आप ऑफिस में हैं चाहे कहीं भी बैठे हैं, आपने दक्षिण दिशा की ओर जाना है। अब ये तो आपको देखना पड़ेगा कि आपके एरिया के हिसाब से दक्षिण दिशा कौन सी होती है। साउथ जो डायरेक्शन है उसी जगह में जाना है आपको, और वहाँ पर जो भी आपको खाली प्लाट दिखे, कोई दीवार दिखे, कोई वैसे ही कोई स्थान हो, कहीं भी आपने दक्षिण दिशा में जा करके उसको रख देना है। रख करके वापिस आना है और पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। 4 बार इस उपाय को करके देखें, 4 बुधवार। यदि बुधवार के दिन पॉसिबल ना हो तो शनिवार का दिन भी आप देख सकते हैं, लेकिन फिर चारों शनिवार करना पड़ेगा आपको, फिर बुधवार बीच में ऐड नहीं होगा। इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब जिन्होंने पूरी वीडियो अभी तक समझ ली है वह इस संबंध में कोई कमेंट नहीं करेंगे, वह केवल बोलेंगे जय श्री राम। जिनको नहीं समझ आई तो वह अवश्य कमेंट करेंगे, और मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप पूरे वीडियो को समझें स्किप बिना किए, तो उससे क्या होता है कि आपको ना तो आपको क्वेश्चन करने की ज़रूरत पड़ेगी ना मुझे कोई आंसर देने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। यदि कोई अपनी कुंडली दिखाना चाहते हैं तो मुझे मैसेज करके, डायरेक्ट कॉल ना करें, मैसेज करके आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, और चार्जेस वगैरह समझ सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट दे दी जाएगी। तो इसी के साथ आज की इस जानकारी को विराम देता हूँ। नमो नारायण, जय जय श्री राधे।